गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास, क्लास सेवेंथ विद एक्सरसाइज 2.4। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 2.4 विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास गिवन है, फाइंड 12 इज डिवाइडेड बाई 3/4। आपको क्या करना है, 12 को डिवाइड करना है किससे, 3/4 से। तो 12 को किस टाइप से 3/4 से डिवाइड कर सकते हैं हम। सबसे पहले आपको 12 एज इट इज़ राइट करना है, फिर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन पुट करना है। अभी आपके पास क्या हो जाएगा, जो अपॉन में 4 है ये ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर 3 है ये अपॉन में आ जाएगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं टेकिंग रेसिप्रोकल, जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए हमें इसका क्या लेना पड़ता है, रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। सो हमने राइट किया टेकिंग रेसिप्रोकल। जब हमने इसका रेसिप्रोकल लिया तो आपका न्यूमिनेटर डेनोमिनेटर में चला गया और डेनोमिनेटर न्यूमिनेटर में आ गया। अब आप देखिए यहाँ पे क्रॉस वाइज हम न्यूमिनेटर डेनोमिनेटर को कट कर सकते हैं। तो ये दोनों ही आपके 3 के टेबल से कट हो रहे हैं, 3 1 3, 3 4 12। तो उसके बाद 4 × 4 बचता है, तो 4 4 क्या होता है आपके पास 16। तो वो क्या आ गया आपका, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर टू एवरीवन। इसी टाइप से हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आप इसे सिंप्लीफाई करें। 7 3 21, 21 और 4 25, 25/7 आपने राइट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। सो जब हमने रेसिप्रोकल लिया, देन वी हैव 7 न्यूमिनेटर में आ गया आपका और 25 डेनोमिनेटर में आ गया। ओके, 25 न्यूमिनेटर में था, डेनोमिनेटर में आ गया, 7 डेनोमिनेटर में था, न्यूमिनेटर में आ गया। अभी आपका 5 और 25 क्रॉस वाइज न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर कट हो रहे हैं, तो आपने इसे कट कर दिया। 5 1 5 एंड 5 5 25, तो 7/5 आपके पास इस क्वेश्चन का क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कम्प्लीट होता है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास दिया हुआ है बेटा, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट इनटू इन द फॉर्म ऑफ प्रॉपर इम्प्रॉपर एट्सेट्रा। आपको इनके रेसिप्रोकल लेने हैं और रेसिप्रोकल लेने के बाद बताना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है 3/7, तो 3/7 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 3/7 का रेसिप्रोकल होता है 7/3। जब आपने इसे 7/3 लिखा, आपके न्यूमिनेटर में लेस डिजिट है डेनोमिनेटर के कंपैरिजन, दैट मीन हम ये कह सकते हैं न्यूमिनेटर इज ग्रेटर डेनोमिनेटर। न्यूमिनेटर जो है वो क्या है, डेनोमिनेटर, ये न्यूमिनेटर है, ये डेनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर क्या है, डेनोमिनेटर से ग्रेटर है। जब आपका न्यूमिनेटर डेनोमिनेटर से ग्रेटर होता है तो आपका जो फ्रैक्शन होता है ना वो क्या होता है बेटा, वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। यहाँ पे भी देखिए 5/8 था, इसका रेसिप्रोकल लिया तो आ गया आपके पास 8/5। हमें पता है 8 ग्रेटर है क्या 5 से, तो इसका मतलब न्यूमिनेटर ग्रेटर है किससे, डेनोमिनेटर से, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा। थर्ड में आपने जब 9/7 का रेसिप्रोकल लिया, देन टेकिंग रेसिप्रोकल, सबसे पहले हम लिखेंगे टेकिंग रेसिप्रोकल। जब हमने इसका रेसिप्रोकल लिया, सबसे पहले हमने लिखा टेकिंग रेसिप्रोकल। जब हमने इसका रेसिप्रोकल लिया, देन हमारे पास क्या आ गया, 7/9 आ गया। अब आप देखिए जो 7 है वो न्यूमिनेटर में है, न्यूमिनेटर क्या है आपका, छोटा है किससे, डेनोमिनेटर से, लेस है। अभी ये देखो ये इसका अपोजिट आ गया, यहाँ पे न्यूमिनेटर ग्रेटर था, यहाँ पे न्यूमिनेटर लेस है। जब न्यूमिनेटर लेस होता है, डेनोमिनेटर ग्रेटर होता है, तो ये आपका कौन सा फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ओके, सो इसी टाइप से आप नेक्स्ट बता सकते हैं, जैसे कि 6/5 है, इसका रेसिप्रोकल लिया तो 5/6 आया। 5/6 में आपने देखा कि जो डेनोमिनेटर है वो क्या है, बड़ा है न्यूमिनेटर से, तो न्यूमिनेटर इज़ लेस देन डेनोमिनेटर, तो आपका फ्रैक्शन क्या हो गया बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसी टाइप से आप इसका नेक्स्ट कर सकते हैं, 12/7 का जब हमने रेसिप्रोकल लिया तो 7/12 आ गया आपके पास। आपको पता है 7 कहाँ है, न्यूमिनेटर में, न्यूमिनेटर लेस है डेनोमिनेटर से, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट
वन अपॉन एट का रेसिप्रोकल लिया तो एट अपॉन वन, एट पूरी डिजिट एक सिंगल डिजिट है तो ये क्या हो जाएगा आपका होल नंबर हो जाएगा। ओके आप इसे होल नंबर राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन अपॉन इलेवन, इलेवन का रेसिप्रोकल लिया तो इलेवन अपॉन वन दैट मीन्स इलेवन आ गया, ये भी क्या आपका एक होल नंबर है। ओके सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होता है बेटा। एंड आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड को अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर राइट डाउन कीजिए। ओके सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चन। हैव अ गुड डे स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।